नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मौसम समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है। बीजर जाए चक्रवाती तूफान को लेकर गुजरात मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी बारिश शुरू हो चुकी है। मुंबई भुज राजकोट में 5 लोगों की मौत की खबर है। गुजरात के 7 जिलों से 20,000 लोगों को निकाला गया है। दोस्तों जान लेते हैं इस खबर की पूरी डिटेल और बीजर तूफान और कितनी तबाही मचा सकता है, गवर्नमेंट ने क्या कुछ अपडेट दिए हैं, सब कुछ इस छोटी से वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। दरअसल दोस्तों अरब सागर में उठा तूफान बी पर जो है गुजरात की ओर बढ़ रहा है। यह तूफान 15 जून की दोपहर को कच्छ जिले के चखो पोर्ट से टकराने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को तूफान कुछ कमजोर हुआ है, हालांकि यह अब भी खतरनाक है। 15 जून को जब यह गुजरात तट से टकराएगा तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। तूफान के चलते गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। उधर दोस्तों अमित शाह ने आज दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक भी की है। उन्होंने बिपरजॉय तूफान से निपटने को आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी स्कीमों की घोषणा की। इसमें फायर ब्रिगेड का आधुनिकीकरण, बाढ़ नियंत्रण और लैंडस्लाइड की घटनाओं पर रोकथाम शामिल है। इसके बाद गुजरात सरकार ने कच्छ सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में 7 जिलों से 20,000 लोगों को निकालकर शेल्टर होम में भेज दिया है। दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विज्ञान विभाग के ओर से मंगलवार को अपडेट के मुताबिक तूफान 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है नॉर्थ वेस्ट की ओर। तूफान मंगलवार सुबह 5:30 बजे पोरबंदर से 350 किलोमीटर की दूरी पर था। दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के 14 जून की सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ने का अनुमान है। दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक 14-15 जून के दौरान कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिले के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तूफान के चलते 15 जून को कच्छ, द्वारका, जामनगर में 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। इसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ आने का अनुमान है। मछुआरों को 16 जून तक समुद्र में ना जाने को कहा गया है। गुजरात में 14 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट और 15 जून के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं दोस्तों कच्छ सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में स्थित गांव के लगभग 23,000 लोगों को शेल्टर होम में पहुंचाने के लिए मंगलवार को बड़ा अभियान चलाया गया। आईएमडी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि पोरबंदर, द्वारका से कर कच्छ तक हवा की रफ्तार बढ़ रही है। 14 जून को यहां 65 से 75 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं दोस्तों 15 जून को द्वारका, जामनगर, कच्छ और मोरबी जिलों में हवा 125 से 135 किलोमीटर की रफ्तार से चलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों बिपरजॉय के चलते पश्चिम रेलवे ने चक्रवात संबंधित क्षेत्र में एहतियात के तौर पर 67 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही सौराष्ट्र से ओरेक, पोरबंदर और जामनगर से चलने वाली 25 ट्रेनें अब राजकोट, सुंदरनगर और अहमदाबाद से चलेंगी। वहीं दोस्तों तूफान के चलते गुजरात और महाराष्ट्र में हुई 5 मौतों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये बच्चे भुज के हैं, इन पर दीवार गिर गई थी। राजकोट में एक महिला पर पेड़ गिर गया। वहीं मुंबई के जुहू बीच पर घूमने गए 5 में से 4 लड़के समुद्र में डूब गए थे। इनमें से 2 के शव बरामद हुए हैं, 2 लापता हैं। वहीं दोस्तों तूफान की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक इमरजेंसी मीटिंग की थी, जिसमें गृह मंत्रालय, एनडीआरएफ और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। पीएम ने खतरे वाली जगह से सुरक्षित लोगों को स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कंट्रोल रूम 24 घंटे खुले रहें और हालात पर नजर रखें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिपरजॉय तूफान अरब सागर से 6 दिन पहले उठा था। इसका असर 10 दिनों तक रह सकता है। यह हाल ही के दिनों में अब तक का सबसे लंबे समय तक रहने वाला तूफान है। आईआईटी मद्रास के स्टडी के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में अरब सागर के ऊपर चक्रवर्ती तूफान लगातार और गंभीर होते जा रहे हैं। पिछले 4 दशकों में अरब सागर में साइक्लोन के शेड्यूल में 80% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि बहुत गंभीर चक्रवातों की समय सीमा में 260% का इजाफा देखा गया है। समुद्र के ऊपर चक्रवाती तूफान जितने अधिक समय तक रहता है उतनी ज्यादा ऊर्जा और नमी जमा होने की संभावना होती है। इससे तूफान के ज्यादा खतरनाक होने और जमीन से टकराने के बाद नुकसान पहुंचाने की आशंका और बढ़ जाती है। यानी कि दोस्तों बढ़ रहे चक्रवाती तूफानों का असर सीधा सीधा क्लाइमेट चेंज को लेकर है। तो दोस्तों यह थी आज की मौसम संबंधी अपडेट। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में निवास करते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज में आपके राज्य की खबरें भी आप तक प्रमुखता से पहुंचा सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।